हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचर। सो जैसे आपने देखा, हम आज आ गए बहुत ही फेमस वेंकटेश्वर जी का टेंपल, विच इज़ अभी रिसेंटली बना है मानेपली ज्वेलर्स के द्वारा। इस वीडियो में हमारे साथ चिन्नू भी है, इसका पहला व्लॉग है फीचर। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस तरफ। सो जैसे आप सामने देख रहे हैं, स्वर्णगिरी टेम्पल भी कहा जाता है इसको। सो दिस टेम्पल टुक 7 ईयर्स टू बिल्ड एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग आए हुए हैं। संडे का टाइम है, अभी हम पार्किंग के तरफ से आ रहे थे जब हम बात कर रहे थे, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ लाइक फुली फुल। अभी चल के यहाँ से जाना है हम लोगों को टूवर्ड्स दी एंड 1 किलोमीटर के लिए। तो चलिए मैं आपको ये टेम्पल दिखाता हूँ आज। एंड बेसिकली टू ब्रदर्स, द मानेपली ज्वेलर्स, उनका पेरेंट्स का विच था, तो देन दे मेड दिस टेम्पल एंड इट्स गॉट रिसेंटली ओपन्ड लाइक मार्च या उस टाइम पे। एंड सिंस देन अ लॉट ऑफ विजिटर्स आर कमिंग, एंड हैदराबाद से इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स पास ही है। तो चलिए, ब्यूटिफुल सनडाउन हो रहा है और टेम्पल काफ़ी सुंदर। ये टेम्पल का बैक साइड है, वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन देयर। तो चलिए चलता है। तो जैसे आप देख रहे हैं, पूरा अभी मंदिर का आउटर बाउंड्री से जा रहे हैं, ये पूरा पार्किंग के लिए ही है। सो अगर कोई भी आ रहा है, सजेस्ट देम जहाँ पे अभी वो व्हाइट कार है वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर दे पैसेंजर्स को, एंड देन यू कैन वॉक एंड कम ऑल दिस वे जो अभी हम क्रॉस करके आए। एंड काफ़ी ही ब्यूटीफुल डिटेल्स है पूरे टेम्पल में, हर जगह देखिए। और काफ़ी अच्छा वेदर भी है आज, तो मैं चलिए आपको सामने से दिखाता हूँ अभी मंदिर। तो वो है एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंड ये पूरा टेम्पल ही है। फिर टूवर्ड्स दिस साइड यू विल फाइंड चाय, कॉफ़ी एंड ऑल टू ईट। एंड वो सामने आपको जो दिख रहा है वो भी पार्किंग ही है, एंड अभी ब्यूटीफुल सनडाउनर हो रहा है। एंड ये टेम्पल एंट्रेंस है, तो विल गो वाया दिस वे अभी थोड़ी देर में। एंड सामने यहाँ पे ब्रह्मरथम आता है एट द सेंटर, तो हियर है भगवान के पैर एट द एंट्रेंस। पॉइंट्स लगा रहे हैं अभी सब यहाँ पे। इसी तरह अगर आप स्ट्रेट जाओगे तो आपको स्टेप्स रहेगा जो चढ़ के आपको ऊपर जाना है। तो पहुंच गए ऊपर अभी मंदिर पे, एंड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। यहाँ पे बेसिकली आपको टिकट लेना पड़ेगा, अगर आपने 1000 रुपीज़ या वगैरह कुछ डोनेट किया है तब आपके लिए ये स्पेशल लाइन है। यहाँ पे ये सेंट्रल टेंपल है, और साइड पे ही भगवान जी के एक अवतार का भी टेंपल है, और इस तरफ गरुड़ जी है। और पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं क्विकली आपको टेंपल कॉम्प्लेक्स दिखा के फिर मेन टेंपल जाते हैं। एंड डेफिनेटली मस्ट विजिट है गरुड़ जी की मूर्ति। एंड देखिए, वो आर्किटेक्चरल मार्वल ही एक तरह से। बीच में देखिए बहुत ही बड़े हनुमान जी हैं वहाँ पे। काफ़ी ही बड़े हनुमान जी है राइट एट द सेंटर। एंड अब जैसे देख रहे हो यहाँ पे अभी लड्डू पुलिहोरा और वड़ा मिल रहा है। अभी भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड ऑल चल रहे हैं। एंड ये पूरा टेंपल पेरीमीटर है, सेंट्रल टेंपल का पेरीमीटर है ये पूरा इस साइड। एंड हनुमान जी का मूर्ति है, एंड साइड पे आल्सो यू विल सी 2-3 मोर टेंपल्स। अभी बंद है वो फॉर अ मोमेंट जो हमारे सामने दिख रहा है टेंपल, कार्य सिद्धि हनुमान जी। चलिए मैं प्रे करके फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। देखिए काफ़ी ही लार्ज स्केल में हनुमान जी, और यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, अभी अभी दर्शन लेके आ गया हमें। चलिए आपको उस तरफ के हिल्स दिखाता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है,
तो वीकडेज इट्स मच बेटर देन वीकेंड्स. अगर आपको आराम से आके दर्शन करना है देन कम ओवर वीकडेज. सो दिस इज द एग्जिट. अभी अंदर जिनका दर्शन हो गया है दे कमिंग आउट एंड अंदर का पूरा इज द पेरीमीटर ऑफ द टेम्पल. तो चलिए अभी वापस जाते हैं मेन एंट्रेंस के पास. होप आपको लैंडस्केप पसंद आया हो. मस्त विजिट है. वीडियो बस आपके डिटेल्स के लिए बना रहा हूँ बट यू हैव टू कम डाउन एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड. तो काफी सुंदर जगह है, काफी सही है. आप जरूर आइएगा, भगवान के ब्लेसिंग्स लीजिए. तो इस तरफ पूरा आपको जो हिल्स दिख रहे हैं बॉनगिरी हिल्स है. सामने जो है वो बॉनगिरी फोर्ट और बॉनगिरी हिल है. दिस इज़ वेरी नियर बाई देयर एंड हम वहाँ से आए थे अभी जो अपने कार का टाइम लैप्स देखा वीडियो के शुरू में. तो काफ़ी सुंदर व्यूज़ है चारों तरफ. सो इस तरफ सारे टिकट काउंटर्स है भगवान जी के दर्शन के 50 और 100 रुपीज़ का. ये 50 रुपीज़ लाइन है एंड उसका एंट्री इट्स फ्रॉम दैट साइड. सो एंड यहाँ पे वी हैव टू डिपॉजिट आवर सेल फोन्स जो हम कुछ देर में अभी करेंगे बिकॉज इनसाइड फोन्स आर नॉट अलाउड ऑब्वियसली. सो अभी आपको जो आपके सामने बिल्डिंग है ये इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट सेंटर है. देखिए कितना सुंदर बिल्डिंग है. ये वही है जो हम पार्किंग के तरफ जब आ रहे थे तो हमें दिखा था. एंड यहाँ पे भी वी कैन अभी गो इनसाइड एंड चेक. तो देखिए कितना सुंदर सनसेट हो रहा है. सो अभी चलिए अंदर जाते हैं. लुक्स लाइक यहाँ पे सेलिब्रेशन हॉल है. ये टाइम अभी अराउंड 6:10 हुआ है तो अंदर जाके देखते हैं. काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर के साथ बनाया है. देखिए बहुत ही ग्रैंडियर है एंड पूरा टेंपल का व्यू भी है दिख रहा है आपको यहाँ से. चलिए अंदर जाके देखते हैं. तो आपने देखा काफ़ी ज़्यादा ग्रैंडियर फंक्शन हॉल है जहाँ पे भगवान के मूर्ति और डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं किड्स के द्वारा. काफ़ी सही एनर्जी है यहाँ पे एंड सनसेट हो रहा है हमारे सामने ही अभी. काफ़ी सुंदर सनसेट. और हॉल के अंदर भी आपने डिटेल्स देखा आर्किटेक्चरली हाउ गुड इट इज़. सो फीलिंग वेरी ब्लेस्ड हियर राइट नाउ. तो अभी मैं आपको पीछे का सेक्शन भी दिखाता हूँ. सो ये एंट्रेंस है फंक्शन हॉल का. काफ़ी सुंदर वेदर है एंड काफ़ी सुंदर कलर्स आ रहे हैं वीडियो में. सब भगवान जी की दया. एंड बाहर आप जो देख रहे हो यहाँ पे दे ऑल आर लाइक गोल्ड ऑर्नमेंट्स. एंड यहाँ से भी एंट्रेंस है जो अभी हम लोग हॉल पे जाके आए हैं. एंड यहाँ पे डिपॉजिट काउंटर
एंड वी कैन गो टू दैट साइड ऑल्सो. अभी उसी तरफ जाऊँगा मैं, जाके आपको उस तरफ का दिखाता हूँ मैं टेम्पल का. सो फंक्शन हॉल का बैक साइड पे आ गए अभी हम. तो यहाँ से भी एंट्रेंस है एंड चिन्नू को सनसेट देखना है तो उधर तक जा रहे हैं. अभी भी और 15 मिनट्स है मंदिर के पास जाने के लिए. यहाँ पे अन्नदानम का मंडप बनाया गया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड वहाँ पे बन भी रहा है एक और. काफ़ी सुंदर वेदर है एंड डिवाइन प्रेजेंस. एंड डेफिनेटली आइएगा ये टेम्पल एंड डू डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट वॉट एवर यू कैन. बट इट्स सो ग्रेट टू सी कि दे हैव बिल्ड समथिंग सो एक्सेप्शनल फॉर देयर पेरेंट्स लव. सो ट्रूली ग्रेट टू सी. अभी हम लोग वो एज पे जा रहे हैं टूवर्ड दी एंड. वहाँ से सनसेट देख के प्रे करके विल कम बैक. सो सनसेट हो गया है. अभी वापस जाएंगे मेन टेम्पल के पास. सो हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है टेम्पल का, जितना भी सराउंडिंग्स है. पीछे अन्नदानम सेंटर इज गेटिंग बिल्ट. अभी वापस जा रहा हूँ मैं मेन टेम्पल पे. गोविंदा 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 गोविंदा. सो भगवान जी को उठाने का मौका मिला रथ को. अभी वहाँ पे रख के आ गए. बारिश शुरू हो गया है रात के टाइम. काफ़ी सुंदर दिख रहा है टेम्पल. तो चलिए अभी आगे जाके आई विल कंटिन्यू द वीडियो. अंदर दर्शन के बीच में ही भगवान जी का रथ उठाने का मौका मिला. God's grace. चलिए अभी मैं आपको टेम्पल दिखा देता हूँ नाइट में एंड देन विल रैप दिस वीडियो अप. पूरा मंदिर काफी सुंदर दिख रहा है. बारिश शुरू हो गया है तो इसी के साथ भगवान का ब्लेसिंग्स लेते हुए ये वीडियो एंड करते हैं एंड फिर मिलते हैं एक और एडवेंचर पे. एंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. गोविंदा.